फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। अभी यहाँ पे हमें सिंगल कटोरी का डबल कटोरी कैसे बनाना है ये आज हम देखते हैं। जैसे जब हम डबल कटोरी की कटिंग नहीं आती है तो उसे जैसे सिंगल कटोरी की कटिंग करते हैं हम, तो उसमें ही आप डबल कटोरी बना सकते हैं, तो उसको कैसे बनाना है ये आज हम देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये सिंगल कटोरी निकाली है। अब इसे क्या करते हैं, जब भी हम सिंगल कटोरी की कटिंग करते हैं तो जैसे आपको सिंगल कटोरी की डबल कटोरी बनानी हो तो आपको नीचे के साइड से यहाँ पे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस तरह से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है जब भी आप कटिंग करोगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको, सिंगल कटोरी का डबल कटोरी जब भी आप बनाओगे आपको नीचे के साइड में जो भी आपका कटोरी होगा, जो आपकी साइज आएगी कटोरी की, उसमें आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको डेढ़ इंच लेना है और यहाँ पे आपको ढाई इंच लेना है। जो नॉर्मल टक्स है सिंगल कटोरी का, वैसे पहले हमें ये टक्स लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे सिंगल कटोरी है, जैसे हम सिंगल कटोरी का टक्स पॉइंट लगाते हैं वैसे हमने ये डेढ़ इंच इस साइड से और ढाई इंच इस साइड से टक्स पॉइंट लगाया है। अब यहाँ पे हमें इसको सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये सिंगल कटोरी जो है वो पहले तैयार की है इस तरह से। अब इसका डबल कटोरी कैसे तैयार करना है ये देखते हैं। जब हम टक्स पॉइंट लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने ये पहला सिंगल कटोरी तैयार करके ली है। अब यहाँ पे हमें डबल कटोरी करनी है तो इसे क्या करना है, इस तरह से उल्टी साइड लेनी है। यहाँ पर हमें जो हुक और आई की पट्टी लगाते हैं इसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पर हम सेंटर पे एक मार्किंग करते हैं, सेंटर से थोड़ा क्वार्टर इंच नीचे के साइड में लेंगे और इस तरह से आपको लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टक्स पॉइंट है, टक्स के आगे आपको क्वार्टर इंच लेना है। टक्स के आगे आपको क्वार्टर इंच पे एक मार्किंग करनी है। क्वार्टर इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इसको इस तरह से यहाँ तक ज्वाइन करना है और फिर वापस यहाँ तक आपको इस तरह से थोड़ी सी हल्की सी गोलाई आपको देनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये हल्की सी गोलाई दी है और जो सिलाई है, सिलाई से हमें क्वार्टर इंच, यहाँ पे हमने दोनों का क्वार्टर इंच का गैप रखा है, ये सिलाई से और ये लाइन से हमें क्वार्टर इंच का बीच में गैप रखा है और यहाँ पे हमने दोनों का सेंटर निकाला है। इसी तरह से हमें थोड़ी सी आगे के साइड में भी हल्की सी गोलाई दे के हमने यहाँ पर इसको मार्किंग किया है। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हमारी ये क्वार्टर इंच की सिलाई आएगी, इसके ऊपर हम क्वार्टर इंच की सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हमें इसको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे हमें क्वार्टर इंच की सिलाई लगानी है। ये टक्स पॉइंट जो है इसको हमें क्वार्टर इंच को छोड़ दिया है, जैसे बीच में हमने क्वार्टर इंच की जगह छोड़ी है और उसके बाद हमने ये सिलाई लगानी शुरू की है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है। ये देखिए यहाँ पे हमने सिंगल कटोरी का डबल कटोरी कैसे बनाया है, इस तरह से ये सिंगल कटोरी का डबल कटोरी आपको बना के मैंने दिखाया है। ये देखिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप कटोरी की कटिंग करोगे नीचे के साइड से आपको आधा इंच ज्यादा लेना है,
आधा इंच क्यों ज़्यादा लेते हैं, जैसे ये हमारे बीच में क्वार्टर इंच की जो सिलाई आती है, इस साइड से क्वार्टर इंच, इस साइड से क्वार्टर इंच, यानी कि आधा इंच हमारा चला जाता है। इसीलिए हमें नीचे के साइड से, क्योंकि ऊपर के साइड में तो गला आता है, इसीलिए हम ऊपर के साइड में नहीं कट कर सकते, लेकिन नीचे के साइड में आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये बीच में सिलाई में वो चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सिंगल कटोरी का डबल कटोरी कैसे बनाना है ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।